नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा दैनिक राशिफल। उससे पहले बात करते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। 8 जून 2020 सोमवार का दिन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:42 से लेके 12:31 तक रहेगा। दोस्तों, अशुभ समय रहेगा 5:41 से लेके 7:32 तक। दोस्तों, इस अशुभ समय में किसी भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के गुड लक की। अक्सर क्या होता है कि विवाह संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आती रहती है। कभी क्या होता है कि कोई घर के विवाद के कारण आपका रिश्ता टूट जाता है, या संतान नहीं होते तो आपका रिश्ता टूट जाता है, या तो आपके घर में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, जैसे कि आपके फैमिली में किसी के कारण इतना ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है कि तलाक जैसी स्थिति बन जाती है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, और महादेव माँ और माँ भगवती पार्वती की पूजा आराधना अगर इस दिन किया जाए, जितना आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप महादेव को जलाभिषेक कराइए, बेलपत्र और धतूरा भी चढ़ाइए हो सके तो, और थोड़ा सा भांग चढ़ा दीजिए, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और आप अपने वैवाहिक जीवन की खुशी के लिए प्रार्थना करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। और संतान प्राप्ति का अगर चाहते हैं तो माँ भगवती की भी वहीं पर मूर्ति है, तो उनके सामने आप ओम नमो दुर्गा देव्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करके 108 बार, और भगवान शिव शंकर जी का भी वहीं पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन इतना करें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। एक बार करके देखिए, महादेव तो वैसे भी बहुत यानी कि भोले भंडारी हैं, वो तो एक प्रार्थना थोड़ी सी भी प्रार्थना अगर कर लें तो सुन लेते हैं, फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके क्यों नहीं सुनेंगे। करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की, तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। हालांकि धन के मामले में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें आपके यहाँ पर कैरियर की, तो देखिए, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको जिम्मेदारी के मतलब एक जो दी गई है उस जिम्मेदारी को आप बखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बाड़ी पर जरूर कंट्रोल बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें, क्योंकि आपका इससे नुकसान हो जाएगा। बात करें अगर हम यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की, तो कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आपके घर में आपके फैमिली में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चाहे आपके माता पिता हों, या आपके भाई बहन हों, या आपके जीवन साथी का, तो ज़रूर ध्यान दें दीजिए। और आपका वक्त भी ज़्यादातर घर पर ही रहेगा आज के दिन। धन के कई स्रोत बने हुए हैं, तो धन की कमी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आज के दिन अपनी जो जिम्मेदारी है स्वयं निभाते आइए। किसी को दूसरे को ऊपर भरोसा ना करिए, चाहे आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि ये भरोसा कर लेना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके हानि के योग बन रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन का अगर प्रयोग करते हैं तो दुर्घटना जैसी स्थिति बन सकती है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो वैसे देखिए, आज ये क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में घटित पहले से होती चली आ रही थी, जैसे कि मान लीजिए कोई काम नहीं बन पा रहा था, तो आज आपके वो रुके हुए कार्य, पेंडिंग कार्य भी पूरे होते नज़र आएंगे। वैसे ये खुशियों का दिन है, इसलिए आपके लिए बेहतरीन पल है। वैसे आपके लिए शुभ समाचार है कि संतान प्राप्ति के योग भी योग बन रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए बेहतरीन समय है। वैसे कर्क राशि वालों, वैवाहिक जीवन बेहतर है, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लव लाइफ आपकी बेहतरीन रहने वाली है। स्टूडेंट की बात करें तो कर्क राशि वालों, आज मेहनत करना आपकी पहली प्राथमिकता है। मेहनत करेंगे तो आगे चल के आपको आपकी पढ़ाई पे भी निखार आएगा, आपके दिमाग तरोताज़ा रहेगा, और अच्छे कामों में आप मन लगाएंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इधर उधर की बातें ना करें, अपने दोस्तों के साथ ना घूमें, नहीं तो विवाद की स्थिति बन सकती है। सफलता आपके कदम चूमेगी जब आप मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। तो कुल मिला के ठीक है। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर काम करें, उनको लाभ होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 50% ही लाभ के योग बने हुए हैं। सही मुहूर्त में सही समय पर करें तो लाभ होगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों, यानी आप जो अच्छा नहीं है उसे उम्मीद है आप अच्छा बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो कुल मिला के अच्छा है। और यहाँ पर आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर बैगनी, और आपका भाग्य साथ निभा रहा है 62%। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।